किसी कार्रवाई का विरोध मकसद नहीं है, मकसद यह है कि कार्रवाई सही की गई हो। इस तरह से हमारा कानून किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक कहानी बना करके और किसी व्यक्ति को किसी घटना के लिए जिम्मेदार बता करके और उसको ठोका जाए। लेकिन जब प्रदेश के मुखिया ही सदन में भी ठोको, ये डायलॉग तो ही का था, अब वो चल रहा है। कानून में इजाजत नहीं है। मुठभेड़ अगर कहीं हो रही है तो सबको अपना बचाव करने का अधिकार है कानून में। अगर सही मुठभेड़ है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से पकड़ के लाया गया है और उसको झूठी कहानी की मुठभेड़ बता करके और ठोका जा रहा तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में 3 इनकाउंटर हुए, बहुत इनकाउंटर हुए और अभी आगे होते रहेंगे। इसके लिए मैं कहा ना कि जाति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहिए ये नई शराब की दुकानों को बंद कराए। किस धर्म में कहा गया है कि शराब की दुकानों का विस्तार कीजिए, इसको बंद करें। जो लड्डू में दिखाया गया एनिमल फैट, ये दूध दही से जो घी बना, जिसे सामान्य भाषा में लोग देसी घी कहते हैं, और देसी घी में इसको बना करके लड्डू तैयार किया जाएगा। बहुत अच्छा, पता नहीं आपके किस्मत में है कि नहीं, मैं तो खाया हूं, बहुत बेजोड़ स्वादिष्ट है। वो प्रसाद भी है और स्वादिष्ट भी है। ये शुद्ध घी में बनाए हुए लड्डू थे। एक खड़यंत के तहत पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया गया, उसमें कौन जा रहा? ये जो जांच हो रही है इसको सही, अरे भैया जांच कौन कर रहा, आरोप किसने लगाया, उसमें कौन दूसरा जा रहा? सारे अच्छे अच्छे जो योग्य और सब शास्त्रों के जानकार, बहुत उच्च कोटि के जो ब्राह्मण हैं, पुजारी, उन्हीं के माध्यम से लड्डू बनता है। तो हम और कौन जा रहा, किसी का साया भी नहीं जा सकता। जांच सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। अरे भैया हम कह रहे हैं घी में बना है, हमारे आपके घर में भी घी का लड्डू बनना है और उसको टेस्ट करा के हम कहे कि इसमें एनिमल फैट है, घीवा एनिमल फैट नहीं कि बस। ओके, कोई कही कि सुनिए, पहले वनस्पति घी है तो कोई नहीं कहेगा, ये वनस्पति फैट माने घी, तो चर्बी का घी या मक्खन और दूध दही का घी? मैं कहता हूं कि वो मक्खन और दूध दही का घी था। 2014 में जब चुनाव हुआ तब न धारा 370 खत्म हुई थी, खत्म तो अब भी नहीं है, उसका एक क्लास खत्म हुआ, देश को बेवकूफ बनाया गया। नेम प्लेट और नाम लिखने वाले इसको कैसे देख रहे हैं? हम इसको कोई आपत्ति नहीं करेंगे, वेलकम करेंगे, सिर्फ एक निवेदन के साथ आपके माध्यम से कि आप सरकार से कहिए, सरकार के मुखिया से कहिए कि जो अल कबीर, उससे कह दें कि वो अपना नाम और अपना पता और अपनी जाति और अपना धर्म डिस्क्लोज करे। देश के 10 सबसे बड़े 20 मीट के एक्सपोर्टर जो बीफ का माल भेजते हैं, दुनिया में माल काटते हैं, उनसे क्यों नहीं कह देते कि अपना नाम बता दे? 10 में 9 गुजरात के, और जाति मत पूछिए, नहीं हम कहेंगे तो आपको हमारे भारत की मान्यता के अनुसार सबसे उच्च जाति के, इसका दिल इतना छोटा हो जाए। जो
अपने कार्यक्रमों की सूचनाएं जिले में मीटिंगें हो रही हैं, विकास की मंत्री आ रहा है, जनप्रतिनिधियों को सूचित नहीं किया जा रहा, ऐसा कौन से कानून में लिखा है? अधिकारी देश चलाएगा, लोकतंत्र कहां रहेगा? देश में संविधान लागू होने के बाद जो रास्ता बना, एक तरफ जननायक है, एक तरफ लोक सेवक है, आप कहां हो? 2027 में क्या लगेगा विधानसभा चुनाव? आप सुनना चाहेंगे? आप बताइए कि 2024 में क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश में 264 सीटें बीजेपी के पास विधायक जीते हुए हैं, सदन में बैठे हैं, उनमें 144 ऐसे हैं जो 2024 में अपने क्षेत्र से 5000, 10000, 15000, 20000, 25000 से हार के बैठे हुए हैं, क्योंकि गणना तो हो रही थी लोकसभा की, तो उनका प्रमाण पत्र तो बचा हुआ है, लेकिन अंदर तो पता है, मुन्नन भैया ही जान रहे हैं कि हम तो अपना चतरवा में 22000 से हारल बानी। 137 विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी लीड लेकर के गई है इस लोकसभा के चुनाव में। आप बताओ, 266 सीटों पर लीड लेकर के समाजवादी पार्टी के कतार के लोग आए हैं, तो 2027 में क्या होगा? जनता मन बना चुकी है,